अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ मतलब? मैंने देखा तुम्हें ऐसे भागते रूम की तरफ आई, घबरा रही थी, पसीने छूट रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, हम डर गए थे। हाँ पुत्र, मैंने भी आपको कितनी आवाजें लगाई है, मैं कह रही थी धोबी कपड़े में क्या गया, आप तो बस एक्सप्रेस मेल जैसे दौड़े अपने कमरे में चले गए, कुंडी लगा लिया आपने, सब ठीक है ना रिया? राजीव पूछना इसको क्या हुआ पुत्र? हाँ मैं बस आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहती थी, दैट्स इट, आई एम फाइन। पुत्र क्यों हो जी टेंशन? वो बस एक्चुअली आई वाज फीलिंग अ लिटिल प्यूकिश, तो जस्ट वो मतलब वो बाथरूम जाने के लिए मैं जल्दी से भाग के आई स्पीड में, इसलिए काफी जल्दी से निकल गई। मैं डॉक्टर को बुला लाऊं? नहीं नहीं, डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, इतना अचानक तबीयत किस तरह खराब होगी थोड़ी? बिस्किट नहीं खाया था ना चाय पीने के पहले, इसलिए थोड़ा सा पेट लग रहा था। गॉड, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। पुत्र मैं तो इतनी टेंशन से आगे से है कपड़े रखे थे। पुत्र आप जब तक कमरे में थे ना, मैंने तो पता नहीं क्या क्या ही सोच लिया। पुत्र पर शुक्र है आप ठीक हो, अपना ध्यान रखना। अच्छा प्राची पुत्र, इधर ध्यान रखी। पुत्र एक कपड़े गिन लिया तो भी देखे गए हैं। अच्छा मैं पड़ा कमरे में, श्योर ना? मैं ले आऊँ तुम्हारे लिए कुछ? नहीं प्राची, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। और वैसे भी मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, एक तुम ही तो इस घर में जिससे मैं अपनी दिल की बात बता सकती हूँ, बिल्कुल अपना मानकर। ऐसा क्यों बोल रही हो? यहाँ सब है तुम्हारे लिए, आखिर एक बहन तो बहन ही होती है ना। और देखो ना प्राची, मेरी तबीयत खराब है ये बात सुनकर तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है, और ऐसा वही होता है जहाँ खून का रिश्ता होता है। अब मेरी सगी बहन मेरे साथ है, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ससुराल में नहीं अपने मायके में ही हूँ। रिया, अरे पहली बार तुमने मुझे बहन कहा है, पहली बार, पहली बार। अरे ये क्या निकल गया मुंह से, अब ये ड्रामा करेगी और मुझे भी एक्टिंग करनी पड़ेगी, बहन की एक्टिंग, लविंग केयरिंग की एक्टिंग, एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। चलो कोई बात नहीं, अब जो तुम कर रही हो ना प्राची भाई, मैं भी करूंगी, देखते हैं किसकी एक्टिंग अवार्ड विनिंग एक्टिंग होगी। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा मैं, क्योंकि पहली बार तुमने बोला है ना, तुम I'm so happy। अच्छा तो तुम्हें लगेगा मेरा प्यार जो तुमने मुझसे छीना था ना प्राची, वो भी धोखे से, अब एक बहन दूसरी बहन से ही तो सीखती है, जो तुमने मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ होगा। मैं एक अच्छी बहन बनने की एक्टिंग करूंगी, तुम्हारा भरोसा जीतूंगी और इनाम में रणबीर को ले जाऊंगी, वही होगा मेरी अवार्ड विनिंग एक्टिंग का इनाम। देखो तुम अगर रोगी तो मैं भी रो दूं। नहीं तुम कभी नहीं रोगे, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे लिए। प्राची आज का दिन ना हम दोनों के लिए बहुत ही यादगार रहेगा, क्योंकि आज से हम दोनों का एक नया रिश्ता जो शुरू हो रहा है। बहन का रिश्ता तो तभी खत्म हो गया था जब तुमने रणबीर से रिश्ता जोड़ा था, हम दोनों बहनें थी, फिर देवरानी जेठानी बनी, और अब हमारे बीच सौतन का रिश्ता है, और ये रिश्ता भी बहुत जल्द टूट जाएगा जब रणबीर मेरा होगा। कि मैं बाकी हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते को भी अच्छी तरह से निभा सकूं, इस रिश्ते को वहां ले जा सकूं जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही हो, वो सारा प्यार मुझे मिले जो मुझे नहीं मिला। रणबीर का प्यार, सही कहा तुमने, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, हमें कभी मौका ही नहीं मिला ना एक दूसरे के साथ बात करने का, प्यार जताने का, जो नहीं मिला वो अब मिलेगा, अब हम साथ में है ना, और तुमने सही कहा, हम एक दूसरे का मायका है, हम एक दूसरे के लिए है, तुम्हें वो प्यार मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। हाय, क्या कर रही हो? तुम बताओ क्या कर रही हो? जन्माष्टमी की तैयारियां, राइट? थैंक गॉड, ऑफिस के काम के अलावा और भी चीजें पता है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब पता होता है,
वो तो ऑफिस का काम कर करके ऑफिस बॉय वाली इमेज बन गई है मेरी. बड़ी हंसी मजाक चल रहा है और इसी जोक मारोगे आई एम श्योर, है ना? भाई को जोक सुनाया आज तक? आज तक सुनाया मुझे जोक? जब देखो प्राची को जोक सुना कर रहा था. प्राची व्हाट इज दिस यार? हाय प्राची, जूते जूते उतारो या आना भी मत, मौत हो गई. तुम उतारो. तो तू घर रह लिया करना, तो मजा छोड़ के चले जाते. अभी भी देखो अकेले काम कर रही है, गो जॉइनर नो. थैंक यू. मुझे ना इसका समझ में नहीं आता है, जब भी बोलता है ना कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है या तो तू अपनी बड़ाई कर रहा है या तो तू मेरी कमियां निकाल रहा है. व्हाट इज दिस? ये तो सोचने समझने वाले के ऊपर है. तू सीधा बात नहीं करता कभी? हां घुमा फिरा क्यों बातें करता? अरे अरे इतना लड़ती, जब भी लड़ती रहती. मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती इसकी. जब भी बात करता है ना मुझे ऐसा लगता है इसका इंटेंशन ये है कि ये ना मुझे बता सके इनडायरेक्टली तुम्हें बहुत पसंद करता है. ऑफ कोर्स आई लाइक. इसमें गलत है? गलत तो तब होता ना जब मैं अपनी बीवी को नहीं तेरी बीवी को पसंद करता. बट ब्रो आई लव माय वाइफ. ओके, मुझे अपनी बीवी ज्यादा पसंद है. मुझे तो लग रहा है ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, बोलने के लिए बोल रहा है. तो ऐसे होता नहीं है तेरे अंदर कुछ? अरे इतनी सीरियस बात मैं ऐसे थोड़ा बोल रहा हूँ. ऐसे अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा. क्या क्या? हेलो रिया, हाय. तुम्हें सिड ने बताया कि तुम आज इन कपड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही हो? नहीं बताया? ओ बैड बॉय. फिर नहीं बताया? वेरी बैड बॉय. बट मैं तो अच्छा हूं ना, मैं बताऊंगा. तुम ना इन कपड़ों में इतनी खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है ये कपड़े तुम्हारे लिए ही बने गए. एक्चुअली नहीं, बैड सिड ने बताया नहीं. प्राची तुम देख रही हो ना, ये मेरी अभी अभी शादी हुई है. मेरी बीवी के आगे मेरी टांग खींच रहा है. रुको रणबीर, नॉट पैरा, मैं यहीं पर हूँ. हाँ ऑफ कोर्स तुम हो. मैं और मैंने गलत क्या बोला? मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि हमारी रिया कितनी अच्छी लग रही है आज. और वैसे भी रिया मेरी साली है, मेरा हक बनता है. मैं इसे प्लीज कर रहा हूँ. आई नो, पर इसे अच्छा नहीं लग रहा ना, मत कर, इसको बुरा लग रहा. बुरा लगा? ओ बहुत बुरा लगा. हाँ अरे ऐसे ही लगता है जब तुम सामने वाले की वाइफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना उसके सामने, तो इतना ही बुरा लगता है. मुझे भी ऐसे ही लगता है, समझ में आया? यहाँ डर तो रहा है. हाँ हाँ बुरा लगा, समझ गया. बस भी करना यार. नहीं मेरे तो शक्ल देख के मन कर रहा है मैं और करूँ. तो अभी तो स्टार्ट किया. बस करो रखी. तुम्हें पता है प्राची, ग्रेटर क्लास में जब रहते थे मुझे कितना परेशान करता था, कितना ज्यादा. और मेरे पास ना उस टाइम पर कुछ था नहीं ऐसा जिसको मैं इसके अगेंस्ट यूज कर सकूं. लेकिन अब मेरे पास नन अदर देन साक्षात रिया है. इसकी वाइफ तो फाइनली मेरे को मौका मिला ही, मैं इसका मजाक उड़ा सकता हूँ. बाय द वे रिया, हम बस मजाक कर रहे थे. मैं इसकी टांग खींचना चाहता था इसीलिए मैंने उसे बोला. लेकिन अच्छी तो लग रही है ना, तो बोलो. इसे रणबीर तुम कुछ गलत नहीं कह रहे. तुमने कहा कि मुझे कलर सूट कर रहा है, आई थिंक कि ये पिंक सूट सूट कर. एंड आई थिंक आई एम लुकिंग गुड. आई मीन बोला तो मैंने, दैट्स ट्रू. बट मैं बस की टांग खींच रहा था, मैं छेड़ रहा था इसको, इसीलिए मैंने बोला. नहीं भी छेड़ रहे थे तो भी कह सकते थे, या फिर छेड़ भी सकते थे. आफ्टर ऑल मैं प्राची की बहन हूँ, तुम्हारी साली. सारी बातें मजाक में नहीं कही जाती, कुछ बातें कहने के लिए भी बोल सकते. बात तो बिल्कुल सही है. हाँ वो सब तो ठीक है, बट ताली को छेड़ियो मुझे नहीं. क्या करूँ, फिर से मतलब अलग मजे आते हैं मुझे सबसे ज्यादा. See, we all are smiling. And I think हम लोग सब ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत टेंस रहते हैं और हंसते बहुत. And I believe कि हम सबको हंसना ज्यादा चाहिए और टेंशन कम लेते, है ना? And मैंने सुना था कि हंसने से ना उम्र लंबी होती है और बॉन्डिंग बढ़ती है. ये भी बात है. आज कान्हा जी का जन्मदिन और मैं चाहती हूँ कि इस पूजा की तैयारी प्राची करे. रिया के लिए इस पूजा की कोई अहमियत नहीं. वैसे यहाँ क्या हो रहा है? अरे वो आज रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है, जन्माष्टमी है, तो उसी की पूजा की तैयारी. मैं हेल्प कर दूँ? नहीं नहीं, मैंने सब कर लिया है और मैं हूँ ना, तो बैठो आराम कर. चो क्या रिया? You need help? नहीं मैं कर लूंगी बस. ओफो रणबीर, क्यों इतना हेजिटेट करते हो मुझसे बात करने में? मेरा तो मन करता है कि सारा दिन तुम मुझसे ही बात करते रहो. ये है मेरी कीमत.
कीमत? नहीं अभी, ये तुम्हारी कीमत नहीं, ये सिर्फ किराया है, 6 महीने का किराया। और सोचो अगर 6 महीने के किराए में इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो पूरी जिंदगी भर के कितने पैसे मिले? अभी वैसे तुम्हारी कोई कीमत लगा नहीं सकता क्योंकि तुम अनमोल हो। आप एक ड्राइवर का अरेंजमेंट करवा देंगी? क्या कि इतना सारा कैश है, टैक्सी में लेके जाना सेफ नहीं होगा। क्यों नहीं? दादी और ताई जी से कहना कि मैं उनसे उनसे मिलने आऊंगा। भाई आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? कैसे हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही 6 महीने का टाइम शुरू ना। गाड़ी बाहर आ गई है अभी, प्लीज तुम बाहर तक चल सकते हो, बैग्स बहुत भारी हैं और हेल्प हो जाएगी। ये लगे है बैग्स, ट्रॉली घसल के ले जाओ। I mean, कुछ बात करनी थी तुमसे। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा प्रज्ञा के साथ क्या रिश्ता है। हम ये भी जानते हैं कि तुम हमेशा से प्रज्ञा को चाहते हो। मैं लग क्या रहा है कि मैं यहाँ पर उसके साथ नहीं। अभी मुझे तुम पे पूरा भरोसा है पर मुझे प्रज्ञा पे भरोसा नहीं है। वो कब क्या सोचती है, क्या करती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर तुम्हें लगे कि तुम उसके लिए फिर से कुछ फील करने लगे हो, ये याद रखना कि वो अपने प्यार का जादू फिर से तुम पे चला रही है। और ये भी याद रखना कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, रिया के साथ, दादी के साथ, तुम्हारे साथ। अगर ये याद रखोगे तो तुम उसके प्यार के जाल में फिर से नहीं फंसोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं भाई, लेकिन अपनी फीलिंग्स के आगे ना हार जाते हैं। और इस बार अगर आप हारे ना तो आपके साथ हम सब और लड़ाई भी हार जाएंगे। मैंने कहा ना ऐसा नहीं होगा। और सुमित को बोल के कुछ कपड़े भिजवा देना। कपड़े? तो बोल रहा हूँ ना, वो करो। प्रज्ञा के लिए सरप्राइज प्लान किया। ठीक है, हम कपड़े भिजवा देंगे। सासुआ, क्या हुआ? आप दोनों के बीच में माँ बेटी का रिश्ता है ना। अगर आपको माँ नहीं बुलाती तो क्या हुआ? मैं तो आपको सासू माँ ही बुलाऊँ। सुनने में ज्यादा अजीब नहीं लगेगा? सुषमा जी सासू माँ, सुषमा सासू माँ, सेम 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 नहीं लगता है? ठीक है, वैसे मैं आया हूँ दामाद, मीन हमें दामाद आया और दामाद का वेलकम ना हो तो दामाद दामाद थोड़ी ना लगता है। अरे स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? मरी शादी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही, शादी तो हुई है ना, वो भी फिर से। तो जब बहू का गृह प्रवेश हो सकता है तो दामाद का क्यों नहीं? सुनने में गलत लग रहा होगा लेकिन मैंने कहा था ना तो मैं गलत काम को भी सही तरीके से करूंगा। अरे वो आटे की थाली तो मंगवाइए। नहीं करूंगी। आंचल। यस मैम। पार्टी का थाल रेडी करो। ओके मैम। मोतीचूर लड्डू। मैं भी। काजू कतली भी चलेगा। प्रसाद के लिए बोल रहा था। घड़ी भी नहीं, तो टाइम नहीं लग रहा। मैं दरवाजे पे जगह इंतजार करूं। पार्टी का थाल आने दो पहले। ओके। वैसे मैंने आपसे कभी पूछा नहीं, आप प्रज्ञा से मिली कैसे? एक्सक्यूज मी, जरूरी कॉल करनी है। इसलिए मुझे मोबाइल पसंद नहीं, अपनी लाइन जोड़कर दूसरों की लाइन काट देते हैं। बात कर रहा था, बीच में ही रह गई। बहुत से सवाल है मेरे जिनके जवाब चाहिए, कि प्रज्ञा ये वाली प्रज्ञा कैसे बनी, क्यों हमेशा से ऐसी थी या पिछले 2 सालों में ऐसी बनी? धोखा मैंने शुरू से खाया या सिर्फ 2 साल खाया? कुमकुम के मायने सच में थे प्रज्ञा के लिए कभी या शुरू से ही झूठी थी? क्या सोच रही है पल्लवी? मम्मी जी ऐसा करना गलत होगा। उत्तर मैं हमेशा के लिए नहीं मांग रही, मैं तो सिर्फ आज जन्माष्टमी की पूजा के लिए मांग रही हूँ। अगर आज के दिन चाबी प्राची के पास होगी तो उसके लिए काम करना आसान हो जाएगा।
देख, थोड़ी देर पहले ही उसे बाल गोपाल जी की मूर्ति और उनके जेवर चाहिए थे, अब उसके बाद उसे फिर से किसी चीज की जरूरत हुई तो। मैं मना नहीं कर रही हूँ मम्मी जी, लेकिन ऐसा करना है कि भी अनफेयर ऑन रिया। कैसे अनफेयर होगा पुत्र, और हम कोई दिखावे के लिए तो नहीं दे रहे ना उसको चाबी, अच्छे काम के लिए दे रहे हैं ना। और तूने ही तो कहा था कि पूजा की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, अब किसी से अच्छा काम करवाना हो तो उसके लिए अच्छा करना ही पड़ता है ना। उसका टाइम बचाने के लिए हमें उसे चाबी देनी पड़ेगी, वरना वो बार बार आके तुझसे चाबी मांगेगी, तुझे ही परेशानी होगी ना। और अगर ऐसे ही पूजा की तैयारी करवानी थी तो हम सोनी से भी करवा सकते थे, है कि नहीं? ठीक है, सिर्फ आपके कहने पर मैं प्राची को चाबियां दे दूंगी। उत्तर जी, ये कॉम्पिटिशन आप ही को जीतना है। कॉम्पिटिशन? अरे घर की बेस्ट बहू को तो मिलेंगी ना घर की चाबियां, और जिसको ये मिलती है ना पूरा घर उसके हिसाब से चलता है। ये प्राची दादी को यूज कर रही, पर दीदा भी हमेशा उसी को फेवर करती है। ये प्राची तो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है ना, पहले डैड के सामने बेचारी बनने का एक्टिंग करती थी और अब नीता के सामने कर रही है। रणवीर के सामने भी इसने यही सब किया होगा, बेचारी बनके अपने आंसू दिखाकर रणवीर को अपनी जान में फंसा लिया होगा। पर अब ये नाटक ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा, वरना ये एक दिन मम्मी को भी अपने जान में फंसा लेगी। नो नो, आई वोंट लेट दैट हैपन, आई कांट लेट दैट हैपन। अरे क्या हुआ, पापा से बात हुई? माँ से बात हुई, पापा घर आ गए। What? अब मेरी माँ और पापा एक साथ एक घर में रहेंगे। तुम्हें बताए ये जो सब हुआ है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को एक साथ लाते हैं, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को एक साथ लाते हैं। यू हैव डन इट, सारे पेरेंट्स है ना तुम्हारी जैसी बेटी डिजर्व करते हैं, सन्स तुम जैसी एक ब्यूटीफुल बीवी। वहां मुझे होना चाहिए था, रणवीर को मुझे गले लगाना चाहिए था, वो जगह तुमने मुझसे छीन ली थी। पहले रणवीर, फिर ये घर, फिर घर की चाबियां, क्या करूं मैं तुम्हारा? मम्मी ने तुम्हें अपना बेटा तो दे दिया, पर इस घर की चाबियां नहीं देंगी, वो दे ही नहीं पाएंगी, क्योंकि क्योंकि वो इन सीढ़ियों से गिर जाएंगी। वो अगर नहीं गिरी तो दीदा गिर जाएंगी, कोई ना कोई तो जरूर गिरेगा, वो भी तुम्हारी वजह से। प्राची तुम पूरी फैमिली को इम्प्रेस करना चाहती हो ना, मैं तुम्हें सबकी नजरों में गिराना चाहती हूँ, इतना गिराना चाहती हूँ कि एक दिन खुद रणवीर रियलाइज करे कि उसने मेरी बहन से शादी करके लाइफ की कितनी बड़ी गलती की है, और फिर वो मेरे बारे में सोचने लगेगा। 2 साल बाद रणवीर से मिली हूँ, इसका कुछ तो मतलब होगा। डैड को खो दिया, अब रणवीर को नहीं खोऊंगी। मैं रस्मों और कस्मों को बहुत मानता हूँ, इसलिए जब मैंने प्रज्ञा से शादी की थी एक कसम मैंने भी खाई थी कि मैं उसकी रक्षा करूंगा।
रक्षा पति बनकर करूं या बॉडीगार्ड बनकर, बात तो एक ही है ना। वैसे पता है शादी में सात फेरे होते हैं, उन सात फेरों के सात कसमें होती है, तो हर एक कसम के लिए ना मैं एक रूप ले लेता हूं, एक अवतार ले लेता हूं। जैसे प्रज्ञा की रक्षा करने के लिए मैं उसका बॉडीगार्ड बन जाता हूं, हर रास्ते में उसका साथ देने के लिए उसका ड्राइवर बन जाता हूं, अभी उसके काम में हाथ बटाकर उसका असिस्टेंट बन जाता हूं, अच्छा खाना खिलाकर उसका कुक बन जाता हूं, अच्छी अच्छी बातें कर उसका मूड ठीक करके उसका दोस्त बन जाता हूं। दो तीन रूप है जो थोड़ा प्राइवेट है इसलिए बता नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम समझ जाना। फिलहाल तो तुम ये समझ लो कि वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके लिए कुछ भी बन सकता हूं। और ये बात तुझे तब समझ लेनी चाहिए थी जब मैंने तुझे मारा, तुझे समझ जाना चाहिए था ना कि एक आदमी किसी औरत के लिए एक दूसरे आदमी को कब मारता है ना। वो ऑफिस था, ये घर है, बॉडीगार्ड था यहाँ, हस्बैंड हुआ रूटी बहुत गुस्से, इससे पहले कि रिपीट हो जाए ना सब कुछ जाए यहां से। यही दिखाना था मुझे लोगों को, एंग्री हस्बैंड की अच्छी एक्टिंग कर रहा है अभी। मैं जानती हूँ आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, आपको वाकई गुस्सा आ रहा था, आप उन कसमों की बातें कर रहे थे जो हमने पहले खाई थी। बेवकूफ समझा सबने, तुम प्रज्ञा के नहीं तनु के हस्बैंड हो, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। एक अच्छा फोन रख लो ना अपने पास, रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। पता है पिछली बार जब मैं और प्रज्ञा ने बैंक रॉबी में बैंक में अटके थे ना, तो वाकई जो लुटेरे थे उन्होंने मेरे नाम को इंटरनेट पर सर्च किया, वहां पर उन्हें मेरी और प्रज्ञा की फोटो मिली एज अ मैरिड कपल। तो अगर तुम्हारे फोन में इंटरनेट है, तुम्हारा फोन अच्छा है, 3G 4G 5G 10G जितना भी जी है, तुम सर्च मारो ना इंटरनेट पर अभिषेक प्रेम मेरा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे साफ साफ। इधर उधर काहे देख रहा, हाँ दिख गया फोटो, यह जवाब गेट लॉस्ट। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा, अब हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे, टाइम से पहुंचाना क्योंकि मुझे किसी के लिए इंतजार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे एक सलाह दूंगा आपको, हो सके तो दो चार केस पकड़ लो, मुझे सुनने में आया कि केस हारने पर पैसे नहीं मिलते, खर्चा पानी तो मिल ही जाएगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं देख लूंगा। देख फिर सामने खड़ा हो, जितना देखना है देख लेना, ठीक है, एक बार केस खत्म हो जाए मैं तुझे अपनी बीवी के आसपास भी नहीं देखना चाहता। कम ऑन गेट लॉस्ट। Thank you. किस लिए? For everything. Thank you. वैसे फ्रेश होना है, कहाँ जाऊँ? ऊपर। इनकी बातें तो मुझे सपोर्ट कर रही, पर इनकी आंखों में कुछ और ही है। अरे नहीं ना, वो पहला दिन है ना, इसलिए टक्कर लग गई। धीरे धीरे सब ठीक हो जाए।
माँ, बस उनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम एक बार खत्म हो जाए ना, सॉल्व हो जाए ना, तो सब ठीक हो जाएगा। ड्रिंक तो यहाँ कोई नहीं करेगा, इस घर में अलाउड ही नहीं। अच्छा, तो इस सासू माँ से बात कर रही है? अब बीवी अपनी माँ से ही तो पति बुराइयां करती है। अच्छा सुनो मेरी बात, पापा अगर नाराज हो जाए तो आप गुस्सा मत हो ना, आप शांति से प्यार से समझाना, ठीक है? अब तो मुझे समझाएगी कि तेरे पापा को कैसे हैंडल करना है। तो चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी उन्हें। अच्छा सुनो, जैसे ही पापा की रिपोर्ट मुझे मिलती है ना, मैं खुद आ जाऊंगी लेकर आपके पास, ठीक है? थैंक यू बेटा। अच्छा सुन, फोन करके आना। हाँ, तेरे पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने मुझे उनकी हेल्थ के बारे में बताया। उन्हें अगर पता चल गया ना, कहीं घर ही ना छोड़ के चले जाए। ईगो इतना है ना, उन्हें लगेगा कि मैंने दया करके उन्हें इस घर में रहने दिया। हाँ मैं फोन करके आऊंगी, आप अपना ख्याल रखना, पापा का ख्याल रखना, मैं जल्दी मिलूंगी, ठीक है? बाय, लव यू। लव यू टू, ख्याल रखना अपना। अच्छा लगा मम्मी से बात करके। हाँ अच्छा लगा, और मुझे और अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे। हेल्प मैं? मम्मी से बात करके। रणबीर, मेरी पहली जन्माष्टमी है और मैं चाहती हूँ कल सब अच्छा हो, सब खुश रहे, हंसते खेलते रहे। मैं नहीं चाहती कल घर में कोई भी सैड हो या फिर नाराज हो, मैं खुद भी खुश रहना चाहती हूँ, सबको खुश देखना चाहती हूँ। और अब तो माँ को भी शक हो गया कि मैं सैड हूँ। मैं ना स्ट्रेस चाहती ही नहीं, मैं खुद भी खुश रहना चाहती हूँ, बिल्कुल रोना नहीं चाहती। और ये तभी हो सकता है जब तुम मम्मी से बात करोगे कि वो मुझे माफ कर दे। देखो तुम करोगे ना तो वो मान जाएंगी, करोगे ना प्लीज? क्यों नहीं करूंगा मैं बात, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या? मेरी शर्त ये है कि तुम्हें ना मुझे खुश करना पड़ेगा। कैसे? तुम्हें नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। तुम्हें सुबह सुबह उठ के मुझे एक बहुत ही अच्छे सी मॉर्निंग किस देनी पड़ेगी, दोगी ना? नहीं। थैंक यू। अबे यहाँ कहाँ, यहाँ मारना? क्या मारना, मजा ही नहीं आ रहा है। सही कह रहा है आप, लग ही नहीं रहा कि कैरम खेल रहे हैं आप। अभी को बुलाओ यार, ये कैरम की जान है यार, मैं तो बुलाने जा रहा हूँ यार। अबे रुक, तू भी ना। ये ले। फिर क्या करूँ? गाना बजा और डांस कर। तो फोन किस लिए होता है? बात करने के लिए। फोन कर अभी को और बुला ले। अब तू उसके घर पे जाएगा, उसकी बीबी होगी चिड़चिड़, तेरा दिमाग खराब कर देगी। वैसे भी अभी का दिमाग खराब करके रखा है उसने। हमें भैया किसी की बीबी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अरे भाई मैं नहीं, वो खुद ही बोलता है अपनी बीबी के बारे में। तभी तो अभी का दिल उस पर्स वाली मैडम पे आ गया था। अभी क्या बकवास कर रहे तू? अबे बकवास नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं। अभी ने खुद बताया था इशारे में मुझे, मम्मी कसम। वैसे अपना अभी ना बहुत पहुंची हुई चीज है, ऊंचे सपने देखता है। कैरम में भी उसे रानी चाहिए और रियल लाइफ में भी। रिंग जा रही है, रिंग। चुप चुप चुप, बाकी बातें बाद में। हेलो। हाँ भाई, क्या चल रहा है? भाई मैच चल रहा है अड्डे पर, जल्दी आ जा। मैं अभी निकल ही रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वाओ साले, तेरा वाला वाओ ये समझता हूँ मैं। जब तू दारू की दुकान पे खड़ा होता है, दारू की बोतल को देखता है, तभी तेरा ये वाओ निकलता है। हाँ, और बोलता है कि बोतल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। सब तुझे यहाँ याद कर रहे हैं। वहाँ तू शराब की दुकान पर खड़े होकर शराब को याद कर रहा है। वहाँ क्या उद्घाटन कर रहा है शराब की दुकान का? कुछ ऐसा ही समझ लिया। क्या? जिसमें एड्रेस भेज रहा हूँ। बोलो ना, बाइक पर बैठकर जल्दी से आ। अगर बाइक नहीं मिली तो गैराज से गाड़ी उठा लेना, पर जल्दी हो सके आ जाना। अभी क्या बोला बता? मैं इसकी शक्ल बता रही यार, उसने साफ साफ मना कर दिया आने से यार। भाई बोलना क्या बोला उसने? वो बोल रहा है मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, तीनों आ जाओ, कुछ धमाकेदार होने वाला है। क्या बोल रही थी तुम? नो वन विल ड्रिंक इन माई हाउस। मैं किसी को अपने घर में शराब पीने नहीं दूंगी। पूछूंगा तब मना करोगी ना? अब ड्रिंक क्या, अब तो घर में पार्टी भी होगी और तुम परेशान भी होगी। देखो अब प्रज्ञा पुलिस बुला लेगी, लेकिन पार्टी तो यू ही चलेगी। अब तो मजा आएगा। तेजी, तेजी मैं ठीक हूँ। I'm fine now। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं ठीक हूँ। अरे पुत्र तू हिल मत ना, डॉक्टर आ रहे ना, वो तुझे ठीक कर देंगे। मम्मी जी क्यों बुलाया आपने डॉक्टर को? मैं कह रही हूँ आपसे, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, I'm fine। पर जाहिर है जरूरत कैसे नहीं है, मुझे ये बताओ। मेरे को तो लग रही है अंदरूनी चोट लग गई है आपको, और पता नहीं कितनी चोट लग गई है, इतनी जोर से चीखी थी, मेरा तो मन ही बैठ गया था, मैंने कहा पता नहीं कोई हड्डी उड्डी टूट गई पर जाहिर जी की। हाँ उस वक्त मुझे फील हो रहा था, इसलिए चीखी मैं, लेकिन
थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया मैंने। बार बार मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी, अगर मेरी जगह मम्मी जी गिर जाती तो। पुत्र ऐसा हुआ तो नहीं ना। रब दा शुक्र है बीजी तुसी नहीं गए अगे, नहीं तो आप आगे जाते आप गिर जाते, और इस उम्र में ना हड्डियां भी नहीं जुड़ती है। जी चुप कर, आई एम फाइन, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी प्लीज कॉल एंड कैंसिल। सीधे हाथ पर फड़ना था।